तो बाइक के अभी 500 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी सर्विसिंग कराने आया हूँ उस बाइक की रॉयल एनफील्ड के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे। अभी वो टेस्ट करने गए हैं गाड़ी, टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं। 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे, देखते हैं व्लॉग बना पाते कि नहीं सर्विसिंग का। आयो बनाने देंगे। इसका जो क्लच है ना, ये जब पूरा दबाते तब भी टायर घूमता है पीछे का। तो बाइक सर्विस हो गई है, अभी एकदम नई जैसी हो गई है वापस। इंजन ऑयल चेंज कर दिया है और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कर दिया है। चलते हैं घर। तो अभी हेमराज रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे ये सर्विसिंग होता है सब, तो यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं। और ये हैंडल बार चेंज कर रहे हैं अभी, तो ये वाला हैंडल बार लगा रहे हैं अभी। ये थोड़ा वाइड है तो मेरे हाइट के हिसाब से भी बढ़िया है, थोड़ा इसका हाइट ज़्यादा है तो ये मुझे सूट करेगा, इसलिए ये वाला लगवा रहे हैं। और ये भी चेंज करना है, एवेंजर का लगाना है। साइड मिरर भी चेंज करते हैं, इसमें दिखता नहीं है ज़्यादा, वाइड नहीं दिखता है। जी गाइस, बाइक का पुराना वाला हैंडल है ये, और ये बोल रही है कि मैं अपनी बाइक में लगाऊंगी। अभी ये पता है हाँ सॉरी, अपनी कार में लगाऊंगी। तो कार के नहीं, रखूंगी मैं ऐसे डिक्की में रखूंगी। अच्छा, मुझे लगा लगाओगी लगाओगी तो इमेजिन कैसे करती हो, देखो बताओ। इमेजिन अगर तुमने इसको कार में लगाया स्टीयरिंग की जगह, ऐसे गियर चेंज किया, ऐसे करोगी? ऐसे नहीं करूंगी। तो फिर कैसे करोगी? मैं उसको रखूंगी पहले डिक्की में, हाँ, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगी आगे बैठ के, हाँ, फिर मेरी गाड़ी कोई ठोकेगा, वाह, पैसे मांगूंगी, वाह, तो पैसे भी देगा, फिर मैं ये निकालूंगी, खर्चा पानी दोगी? मोबाइल स्टैंड भी लगाना है और हैंडल के रैप भी लगा रहे हैं अभी। तो चलो, सो गाइस, बार्क वॉशर के ये हैंडल गार्ड भी लगवा लिए हैं। अब लग रही है बाइक एकदम बढ़िया, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का हैंडल बार जो कि वाइड है और बहुत सही लग रहा है। अभी मुझे चलाने में भी आराम मिल रहा है, वाइल्ड लग रही है बाइक एकदम, वाइल्ड और बीस्ट। हाँ, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया यार सर्विसिंग में, तो मुझे तो जाने ही दिया अंदर, लेकिन ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया उन्होंने और बाइक वॉश की, और जो जो कमियाँ थी वो सब बता दी, तो वो भी सब ठीक कर दी उन्होंने। पीछे का टायर ऐसे चीची आवाज़ आ रहा था उसमें, तो वो भी मैंने बताया तो वो भी उन्होंने सही कर दिया। ब्रेक पैड्स का इशू था तो वो भी अभी सॉल्व हो गया है। और ये जो क्लच है, एक क्लच का फ्री प्ले ज़्यादा था पहले, तो मैंने अभी कम करा दिया है, तो ये भी सही हो गया है। गाइस देखो, सेक्सी लग रही है अभी, मस्त। ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार, क्या लुक आ रहा है इसका। ये भी नए लगवा दिए मिरर्स, ये फोन स्टैंड, ये लेदर स्ट्रैप, सब कुछ लग गया है, नकल गार्ड। अभी अभी बाइक कंप्लीट हो गई है, सारे एसेसरीज लग गए, सैडल स्ट्रे नहीं लगाए, वो जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो सैडल स्ट्रे भी लगा लेंगे बाद में। हाँ, यहाँ पे ये हट के यहाँ पे लगेगा एलईडी फुट स्टैंड, बाकी तो सही लग रही है बाइक। अब ये सीट भी पीछे करवाई है, कस्टमाइज करवा ली, तो कंफर्टेबल हो गई अभी काफ़ी। सो गाइस, घर आ गए हैं अभी और हम बना रहे हैं रोटी सब्जी, खाना बना रहे हैं। तो ये सब्जी बन रही है इसमें और ये रोटी बन चुकी है, तो प्रियंका मैडम बेल रही हैं और हम लच्छा रोटी बनाते हैं एकदम, मतलब लच्छा पराठा होता है वैसे तो, लेकिन लच्छा उसको हम रोटी जैसा बनाते हैं, लच्छा रोटी होता है घी में, मस्त मजा आ जाता है एकदम। तो खाना बना के फिर यहीं पर खा के गरम गरम, और फिर जाते हैं क्लास, मतलब अपनी शॉप म्यूजिकल पिट में जाते हैं। और ये रोटी हमारी आ रही है तवे पे, ये इसमें लगता है हमारा, ये आ गया गाय का घी और बन गया है खाना। आज है लच्छा रोटी और बीन्स आलू की सब्जी। तो खाने के बाद जाते हैं शॉप, और वहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी कल भी नहीं गया मैं शॉप, कल मैंने छुट्टी ले ली वैसे, क्योंकि काफ़ी सारा काम था और बाइक में भी मॉडिफिकेशन करा ली, बाइक एकदम रेडी। अब जाते हैं शॉप खाना खाने के बाद। तो अभी शॉप पर आ गए हैं, यहाँ पर काम चालू कर दिया है वापस, और क्लाइंट्स आए थे, किसी एक हारमोनियम दिया अभी, और बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं तो वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार कॉल्स आ रहे हैं, कुछ काम आ रहा है, गिटार आ रहे हैं, तो फिर वो कुलदीप आएगा, अभी 2 दिन और हैं, कुलदीप आ जाएगा, उसके बाद फिर वो करेगा वो भी। कोई गोप्रो का
मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, इसको चेंज कर लेते हैं अभी। सुबह सुबह मतलब शटर अनलॉक करता हूँ ना, जब उठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी अब तो, क्योंकि जो शटर का ग्रीस है वो पूरा सूख चुका था। मैं जून में लगाया था तो अभी पूरा सूख गया था ग्रीस, तो अभी वापस लगवा रहा हूँ। अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही लगाने की, तो अभी अपन बड़े आदमी बन गए तो लगवा रहे किसी से। तो एक भैया लगा रहे हैं ग्रीस, देखो ज्यादा लगाना ऐसा घी जैसा लगता है ग्रीस। खास इसीलिए तो बनाया जाते हैं बड़े कंपनी हर चीज का है। तो ये ताले में ताला लगाते हैं ना, वहां पर भी ग्रीस लगा दें थोड़ा, ये भी फ्री हो जाएगा। भाई ये तो बंद ही कर दिया हमको। खोलो खोलो, बचाओ बचाओ। अबे पहली बार बंद हुआ हूँ मैं शॉप के अंदर, ऐसा लगता है। खोलेगा खोलेगा, उसको रुपए नहीं दिए मैंने अभी तक, मैं भी बहुत चतरा हूँ रुपए लेने के लिए। खोल दिया देखो, खोल दिया। अभी काफी फ्री हो गया, अब ताकत कम लगानी पड़ रही है, नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा अब जिम हो जाता था यहाँ पे। यार मैं काम कर रहा हूँ मेरा, और ये जो लड़की है, एक मिनट लाइट चलाते हैं पहले। तो मैं काम कर रहा हूँ और ये बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे, बोल रहे मेरे को सैंडविच खाना है। अरे तो ले लो ना, बाहर ही तो है सैंडविच, मैंने कभी मना किया है? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ तो कर लो, क्या हो गया उसमें, अभी तो काम कर रहा हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ ये पता है मेरे को क्यों इन्वॉल्व करती है, ताकि मैं डांट ना पाऊँ। मेरे को खाना ही नहीं है और ये इन्वॉल्व करती है, एक टुकड़ा खिला देगी बाकी खुद खा जाएगी, बोले तुमने भी तो खाया। ये देखो देखो आ गया, सच सामने आ गया गाइस, यही बात है। किसी को रोकनी है डांट। पढ़ाई करो चुपचाप, पढ़ाई हो रही है, देखो सैंडविच खाना है इसको, भूख लग रही है और पढ़ाई कर रही है। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं पनीर चीज सैंडविच खाऊंगी, अगर तुमने दिया तो वेज वाला खाऊंगी। नहीं दे रहा नहीं दे रहा मैं, जाओ बाय गाइस, नहीं दे रहा। डबल चीज डबल। ये क्या सैंडविच खाएगी तू?